तो कैसे हैं आप सब तो पिछली वीडियो हमने क्लास ट्वेल्थ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला यूनिट करने की कोशिश की थी जिसमें हमने पहले पार्ट में काफी सारी चीजें समझने की कोशिश की थी जिसमें कि अगर मैं आपको एक क्विक रिवीजन दूं तो उसमें हमने एग्रीगेट डिमांड क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है अब यहाँ पर देखते चलेंगे कि एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यानी टोटल सप्लाई जब एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम माना जाता है और एग्रीगेट डिमांड हमारा कैसे बिहेव करता है और उसके बाद हमने एग्रीगेट सप्लाई कैसे बिहेव करता है, है? है। कहाँ से स्टार्ट होता है ये सब चीज़ें हमने उसमें करी थी इसके बाद इक्विलिब्रियम कैसे होता है एग्रीगेट सप्लाई अगर एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाए यानी डिस हो जाए तो क्या होगा इक्वेशन कौन सी होती है वाई इजगल टू सी प्लस आई की और इक्वेशंस में ये जो कंजम्पशन फंक्शन होता है ये कैसे होता है कंजम्पशन फंक्शन में ये एम क्या होता है एम क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में सब कर रखा है और एम का रिलेशनशिप क्या है के, के साथ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है ये सब हमने पिछली वीडियो में किया था तो अगर डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गए हो तो पहले वो फर्स्ट पार्ट देख लो उसके बाद हम ये वाला पार्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे तो देखो क्विक रिविजन में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने अब तक कौन कौन से फॉर्मूलाज देखे हैं तो एक फॉर्मूला तो हमने देखा था सी प्लस आई का ठीक फिर हमने सी का फॉर्मूला देखा था ए प्लस एम पी सी डॉट वाई का फिर एक हमने जो फॉर्मूला देखा था वो देखा था एम पी सी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और एक हमने फॉर्मूला देखा था एम पी एस का जो होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई और हमने एक फॉर्मूला देखा था ए पी सी का जो कि होता है सी अपॉन वाई एक देखा था हमने ए पी एस का जो कि होता है एस अपॉन वाई एक हमने फॉर्मूला देखा था के का जो कि होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई एक फॉर्मूला हमने देखा था के का जो कि हो जो कि होता है हमारा वन अपॉन वन माइनस एम पी सी ठीक है एक हो, देखा था हमने वन अपॉन एम पी एस और इसमें हमने एक चीज़ और देखी थी कि, कि कंजम्पशन फंक्शन का जो कंजम्पशन की इक्वेशन है वो होती है सी इजिकल टू ए प्लस एम पी सी डॉट वाई जबकि जो सेविंग फंक्शन वाली इक्वेशन होती है सेविंग की वो होती है माइनस ए इसका उल्टा हो जाता है माइनस ए प्लस एम पी एस डॉट वाई उसमें एम पी सी है हमें पता है एम पी सी का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था एम पी सी का मतलब आपके खाने की हैबिट क्या है मान लीजिए आप जो सी है हंड्रेड रुपीज़ आप खाओगे ही खाओगे ये ए है ऑटोनोमस कंजम्पशन आपकी इनकम चाहे ज़ीरो हो जाए और यहाँ पर जो है एम पी का मतलब है आपकी क्या हैबिट है मान लो सेवेंटी परसेंट आप खा जाते हो तो होगा पॉइंट सेवेंटी अगर आप एट्टी परसेंट खा जाते हो तो होगा पॉइंट एट्टी और डॉट वाई यहाँ पर लगेगा वाई वाई का मतलब वाई मतलब इनकम का कितना परसेंटेज आप खाते हो तो ये हमारा कंजुम्पन की इक्वेशन बनती है इसी तरह से हमारी सेविंग निकल जाता है कि माइनस ए प्लस एम पी एस डॉट वाई यानी कि हमारी जो ओल्ड सेविंग कितनी है मान लो माइनस हंड्रेड है प्लस एम मतलब हमारा जो बचत है एक परसेंट है मान लो अगर हम सेवेंटी परसेंट खाते हैं इस वाले इक्वेशन के हिसाब से तो हम थर्टी परसेंट बचाते होंगे यानी पॉइंट थर्टी हमारा जो है एम बन जाएगा और इसका वाई का थर्टी परसेंट इसी तरीके से दूसरे वाले इक्वेशन में माइनस हंड्रेड प्लस पॉइंट अगर एट्टी परसेंट खाते हैं तो ट्वेंटी परसेंट बचाते होंगे तो ये हो गया क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एम और एम क्या होता है हमारा दोनों वन होता है यानी अगर ये पॉइंट है तो ये होगा पॉइंट तक क्योंकि वन आना इन दोनों को अगर ये पॉइंट एटी है तो ये पॉइंट ट्वेंटी होगा हम्म और जैसे कि मान लो अगर आपको एम पी सी दे रखा है पॉइंट नाइन्टी uh, और आपसे बोल दिया जी एम पी एस निकालो तो आपको पता है एम पी एस का फॉर्मूला क्या है वन एम पी एस का फॉर्मूला क्या है वन माइनस एम पी सी क्योंकि एम पी सी प्लस एम पी एस दोनों का टोटल है वन अगर आपको ए भी निकालना है तो वन माइनस कर दो तो वन में से इसको माइनस करेंगे पॉइंट नाइनटी तो ये आ जाएगा पॉइंट टेन ये कि हमारा एम पी एस निकल कर आ चुका है अब देखो ये जो हमने फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखे हैं इनको एक बार देख लो स्क्रीन शॉट ले लो और आगे सारे क्वेश्चन जो भी हम करेंगे वो इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन मान लीजिए मैं आपसे बोल देता हूँ कि आपको डेल्टा आई डेल्टा वाई दे रखा है फोर हंड्रेड और डेल्टा आई दे रखा है मान लो हंड्रेड और आपको ऑटोनोमस कंजम्पन यानी ए दे रखा है मान लो हंड्रेड और आप बोल दिया है मान लो आपको आई भी दे रखा है मतलब ये तो डेल्टा आई है चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको आई वन यानी आप प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है जो कि मान लेते हैं हम आपको दे रखा है फोर हंड्रेड ठीक अब इसमें देखिए आपको बोल दिया है उसने कि आप निकालिए सी एस ए पी सी ए पी एस के एम पी सी एम पी एस डेल्टा सी डेल्टा एस अब ये सारी चीजें इन दो तीन चीजों से निकल सकती हैं कैसे अब हम देखते हैं इसको तो सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करेंगे के के का फॉर्मूला क्या होता है के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई डेल्टा वाई दे रखा है चार सौ और ये डेल्टा आई दे रखा है 100 तो आ गया चार के आ गया फोर अब निकालते हैं एम तो वन अपॉइन वन माइनस एम ये फॉर्मूला है हमारा के का के निकल कर आ गया फोर ये हो गया वन अपॉइन वन माइनस एम ये इधर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा तो वन अपॉन ये वन माइनस एम पी वन अपॉन फोर ये आ जाएगा वन माइनस एम ये पॉइंट ट्वेंटी फाइव तो इधर ये एम इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा इधर जाके ये ये इधर आ जाएगा वन माइनस पॉइंट ट्वेंटी फाइव तो आ जाएगा पॉइंट सेवेंटी फाइव तो एम पी सी आ गया पॉइंट सेवेंटी फाइव तो फिर एम पी एस कैसे निकल जाएगा वन माइनस वन माइनस एम पी सी तो वन माइनस पॉइंट सेवेंटी फाइव क्या होगा वन माइनस ये पॉइंट ट्वेंटी फाइव और जाहिर सी बात है अगर एम पी सी पॉइंट सेवेंटी फाइव है तो ये पॉइंट ट्वेंटी फाइव ही होगा क्योंकि दोनों का जोड़ प्लस वन हो वन होता है ठीक फिर नेक्स्ट चीज़ हम निकाल सकते हैं हमारा हम निकाल सकते हैं पहले ही है निकाल लेते हैं चलो एम पी सी का फॉर्मूला एक होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई यानी इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है यही तो दिखाता है हमारा एम पी सी यानी इनकम के चेंज होने से इनकम में इंक्रीज होने से कितना कंजम्पशन में इंक्रीज होता है यही तो हैबिट शो करता है हमारा एम पी सी यही तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मार्जिनल पॉपेंसिटी पॉपेंसिटी मतलब हैबिट कितना कंजम्पशन चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन इनकम इनकम में परिवर्तन से आय में कित उपभोग में कितना परिवर्तन आता है यही तो हमें शो तो करता है एम तो एम का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और हमारा डेल्टा सी हम निकालना है डेल्टा सी तो एम पी हमारा निकल कर आया पॉइंट सेवेंटी फाइव और डेल्टा सी हमें पता नहीं है डेल्टा वाई हमारे को चार सौ दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में ठीक इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पॉइंट सेवेंटी फाइव इंटू फोर हंड्रेड डेल्टा सी तो निकल जाएगा हमारा पचहत्तर चौक ये निकल जाएगा थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव परसेंट इसका तो डेल्टा सी आ गया थ्री हंड्रेड इसके बाद हम डेल्टा एस भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा एम पी एस मार्जिनल प्रोपेंसीट सेविंग का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई ये हो है हमारा माइनस ट्वेंटी पॉइंट ट्वेंटी फाइव डेल्टा एस हमें पता नहीं डेल्टा वाई हमारे फोर हंड्रेड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर हंड्रेड डेल्टा एस तो है हमारा आएगा हंड्रेड डेल्टा एस ठीक ये भी निकल गया हमारा इसके बाद हम निकाल सकते हैं वाई तो देखो वाई निकालने के लिए हमें सबसे पहले वाई मतलब इनकलियम इनकम निकालनी है हमें वाई सी प्लस आई होता है हमारा फॉर्मूला सी हमारा हमें क्या होता है टुकड़ों में ए प्लस एम पी सी डॉट वाई ये हमारा सी होता है और आई मतलब इन्वेस्टमेंट ए हमें हंड्रेड दे रखा है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ये देखो यहाँ दे रखा है ना क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया था ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ठीक तो ये हमें दे रखा है हंड्रेड और एम हमारे को निकल के आया है हमारा पॉइंट सेवेंटी फाइव ठीक पॉइंट सेवेंटी फाइव वाई और इन्वेस्टमेंट हमें कितना दे रखा है फोर हंड्रेड ठीक ये हो गया तो देखो ये वाई और ये वाई वाले भाई भाई हैं तो इधर ले आएंगे पॉइंट सेवेंटी फाइव वाई ये हंड्रेड और फोर हंड्रेड भाई भाई हैं तो ये फाइव हंड्रेड हो गया दोनों जुड़ जाएगा इसमें से जाएगा पॉइंट ट्वेंटी फाइव वाई ये फाइव हंड्रेड तो ये वाई यहीं रह जाएगा ये इसके नीचे चला जाएगा तो फाइव हंड्रेड अपन पॉइंट ट्वेंटी फाइव ये मल्टी पॉइंट से दो ज़ीरो होगा पच्चीस दूनी पचास एक दो तीन दो हज़ार आ गया अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर देना तो इनकम आ गया दो हज़ार वाई निकल कर आ गया हमारा दो हज़ार अब अगर हम चाहें तो सी भी निकाल लें तो सी का फॉर्मूला क्या था हमारा सी का फॉर्मूला था ए प्लस एम पी सी डोट वाई ए हंड्रेड दे रखा है एम पी सी पॉइंट सेवेंटी फाइव और वाई यानी इनकम कितनी निकल कर आई दो हज़ार तो हंड्रेड हंड्रेड का सेवेंटी फाइव परसेंट कितना होगा पंद्रह सौ पंद्रह सौ प्लस सौ कितना हो गया सोलह सौ कन्शन आ गया सोलह सौ इसी तरह हम सेविंग भी निकाल सकते हैं माइनस ए प्लस एम पी एस डॉट वाई माइनस हंड्रेड माइनस हंड्रेड प्लस एम पी एस कितना है पॉइंट ट्वेंटी फाइव और ये पंद्रह सौ सॉरी सॉरी ये दो हज़ार है हमारा ठीक अब ये माइनस हंड्रेड और ये 2000 का 25 परसेंट पाँच तो ये आ जाएगा 400 सेविंग आ गया ठीक सेविंग भी निकल गई 400 इसके बाद हम ए भी निकाल सकते हैं ए का फॉर्मूला होता है हमारा सी अपॉन वाई कन्जम्पन कितना है कन्जम्पन आया था सोलह सौ सो, और इनकम कितनी है 2000 तो ये काट लो जितना भी आएगा पूरा कट जाए तो ठीक नहीं कटे तो ठीक कितना चार सौ सोलह चार पन्ज बीस पाँच अट्ठे चालीस पॉइंट एट्टी आ गया पॉइंट एटी है ना ए पी एस कितना आ जाएगा ये आ गया ए पी एस कितना आ जाएगा एस अपॉन वाई एस कितना है फोर हंड्रेड ये कितना है दो हज़ार तो इसे काट लो दो जीरो से दो जीरो चार पंजे बीस वन अपॉन फाइव तो ये आ जाएगा पॉइंट ट्वेंटी ठीक तो ए पी सी ए पी एस भी आ गए तो देखा आपने केवल इन चीज़ों से हमने पूरा सारे फॉर्मूले में सब कुछ निकाल दिया है जो जो हमसे मांगा था अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन कई बार आते हैं इस तरीके से भी आते हैं और कई बार टेबल बना के दे देता है वो आपको वो बोल देता है कि मान लीजिए इनकम है इनकम दे रखे जीरो हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड मान लीजिए इस तरह से दे रखी है और सी बोल रखा है बोल मान लीजिए फाइव फिफ्टी है ना मान लो ये दे रखा है हंड्रेड है ना मैं अभी इंस्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ तो गलत भी हो सकता है ठीक है तो सेविंग मान लो हमें दे रखी है माइनस फिफ्टी जीरो फिफ्टी हंड्रेड्रेड फिफ्टी अब हमसे बोल दिया है कि एम पी सी निकालो एम पी एस निकालो ए पी सी निकालो ए पी एस निकालो अब कैसे निकलेगा देखो एम पी सी का फॉर्मुला क्या है हमारा यहाँ लिख देते हैं थोड़ा छोटा सा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इसका फॉर्मुला क्या होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इसका फॉर्मुला क्या होता है सी अपॉन वाई इसका फॉर्मला क्या होता है एस अपॉन वाई ठीक है एक ही बार मैंने लिख दिया डायरेक्ट फॉमला अब आप देखते रहना अब एम जो निकलता है वो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई यानी इसमें कितना चेंज आ रहा है फिफ्टी का और इसमें हंड्रेड का तो फिफ्टी फिफ्टी अपॉन हंड्रेड तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट फिफ्टी ठीक मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ पॉइंट फिफ्टी सॉरी ये वाले में नहीं दूसरे वाले में लिखेंगे पहले वाले में तो हम लिख देंगे ये दूसरे वाले में पॉइंट फिफ्टी अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्टी का चेंज आया यहाँ फिर हंड्रेड का पॉइंट फिफ्टी यहाँ फिफ्टी का यहाँ हंड्रेड का पॉइंट फिफ्टी ये मैंने जान पूछ के इक्वल वाला लिया है स्लोप इक्वल है मतलब एम ठीक चेंज भी आ सकता है इसी तरह इधर देखें तो सेविंग में कितना चेंज आया फिफ्टी का और इनकम में चेंज कितना आया हंड्रेड का तो यहाँ भी फिफ्टी अपॉन हंड्रेड तो ये कितना हो जाएगा ये भी आएगा पॉइंट फिफ्टी तो मैं इसे रफ कर देता हूँ पहले वाले में आएगा ये पॉइंट फिफ्टी दूसरे में भी वही फिफ्टी का चेंज या हंड्रेड का चेंज पॉइंट फिफ्टी और यहाँ भी पॉइंट फिफ्टी और यहाँ भी पॉइंट फिफ्टी ठीक इसके बाद ए पी सी सेव कंजन अपॉन इनकम तो फिफ्टी के नीचे जीरो रखेंगे तो डैश नीचे हंड्रेड के नीचे हंड्रेड रखेंगे तो वन वन फिफ्टी के नीचे टू हंड्रेड रखेंगे तो वन फिफ्टी अपॉन टू हंड्रेड तो जीरो जीरो पाँच ती पंद्रह पाँच चौक बीस तो ये चार सत्तर अट्ठाईस चार पंजे बीस ये पॉइंट सेवेंटी फाइव आ गया फिर यहाँ पर देखेंगे दो सौ के नीचे तीन सौ रखेंगे तो कितना आएगा यह आएगा ज़ीरो पॉइंट सिक्स सिक्स फिर यहाँ ढाई सौ के नीचे चार सौ रखेंगे तो कितना आएगा जीरो से ज़ीरो गया ये आएगा आपका पाँच पंजे पच्चीस पाँच छठे चालीस आठ छः अड़तालीस जीरो पॉइंट छः आठ छः अड़तालीस और दो आठ दोनी सोलह ये समथिंग्स चार तो आठ पंजे चालीस ऐसा कुछ ये आ जाएगा देख लेना एक बार करके मैं जल्दी से कर रहा हूँ ये इसके बाद ए कैसे निकलेगा ऐसा पोन वाई तो माइनस फिफ्टी के पोन जीरो रखा तो ये डैश नीचे वाला जीरो के नीचे सो रखा तो जीरो इसके बाद जो है हमारा फिफ्टी के नीचे टू हंड्रेड रखेंगे तो ज़ीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड के नीचे थ्री हंड्रेड लिखेंगे तो पॉइंट थ्री थ्री और वन फिफ्टी के नीचे फोर हंड्रेड रखेंगे तो कितना आएगा यह आएगा पॉइंट थ्री सेवन फाइव आप कैलकुलेट करके देख लेना ठीक है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है ठीक आपको कुछ भी देकर आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए तो आप निकाल सकते हो अब अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो आप हर तरह का इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अच्छा इसके बाद जो हमारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है यूनिट में वो आता है इक्लिब्रियम ऑफ इनकम या जीडीपी डी ऑफ इनकम और जीडीपी तो ये एक क्वेश्चन बनता है जब पहले एग्जाम होते थे टर्म वन टर्म टू नहीं होता था तो डायरेक्ट एक सिक्स नंबर का क्वेश्चन आया था कि हमें इक्िब्रियम ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन दिखाओ विद दी हेल्प ऑफ ग्राफ कैसे डायग्राम की हेल्प से हमें बना के दिखाओ तो इसकी दो अप्रोचेस है, है हैं टू अप्रोचेस है नोचेस तो पहली तो है ए डी एन एस अप्रोच दूसरी है हमारी सेविंग एंड इन इन्वेस्टमेंट अप्रोच ठीक है अब देखो वो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि आपको किससे सॉल्व करना है नहीं बताए तो आप जिससे मर्जी चाहे कर लेना लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो आपको बताएगा मान लीजिए वो बोल देता है क्वेश्चन में कि आप हमें एडीएनएस अप्रोच के द्वारा इकलिमियम इनकम बताइए तो आप सबसे पहले आंसर में लिखोगे कि एडीएनएस अप्रोच में अकॉर्डिंग टू ऐसे करके लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एडीएनएस अप्रोच equilibrium equilibrium is determined at that point at that point where where ad and as become equal to each other take फिर इसको और फर्दर आप वर्ड्स के साथ मैनिपुलेट करके या वर्ड्स के साथ खेल के इन द वर्ड्स वैन टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी बिकम्स इक्वल टू टोटल सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी हिंदी में भी, भी बोल सक लिख सकते हो इसी तरह से कि इस अवधारणा के अनुसार अर्थव्यवस्था में संतुलन वहाँ पर निर्धारित होता है जहाँ पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर जाती है ठीक तो वहाँ पर जो है हमारा जो है संतुलन होता है अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है यानी जितनी डिमांड हो रही है इकोनॉमी में उतनी ही कुल पूर्ति हो रही है तो हमारे अर्थव्यवस्था इक्लिबियम में होती है फिर आप लिख सकते हो कि ए डी क्या होता है ए डी को आपको डिफाइन करना है इसकी ए डी की डेफिनेशन फिर आपको बोलना है एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन लिखनी है ये आपको वही लिखनी है जो मैंने आपको पहले बताई थी ठीक है एक वीडियो और है एडी और एस की उसमें भी मैंने बताई है ए डी का मतलब तो हो गया टोटल डिमांड ऑफ द इकॉनॉमी ठीक और और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दी इकोनोमी इन गिव इन ए गिव गिवन गिव पीरियड लाइक दिस हैं अब इसके बाद हम कह सकते हैं इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम ये लाइन लिखनी जरूरी है इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ ऑफ अगर टेबल बनाओगे तो लिखना टेबल अदरवाइज नहीं लिखना ठीक हिंदी वाले लिख सकते हैं इसे चित्र वताली का द्वारा दर्शाया जा सकता है अब इसके बाद आप डायग्राम बनाओगे ये आपका डायग्राम हो गया यहां क्या लोगे आप यहां लोगे आप इनकम ठीक क्या लोगे आप इनकम यहां लोगे आप डी और ए एस ये आपका एग्रीगेट सप्लाई ये आपका एग्रीगेट डिमांड यहां पर एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं तो यहाँ हो गई हमारी इक्लेबरियम इनकम ठीक है ये हो गई डिटरमिन अब आप ये भी दिखा सकते हो कि जब अगर इक्लेब्रियम इनकम ना हो डिसक्बरियम हो जाए यानी वाई वन हो जाए तो क्या होगा ये मैंने बताया आपको पार्ट फर्स्ट में मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि फिर पार्ट बहुत बड़ा बन जाता है इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो इसके इसमें आप टेबल भी दे सकते हो टेबल क्या होगी मान लीजिए यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई मैं लिख देता हूँ जीरो बीस चालीस साठ अस्सी लाइक दिस और इसके बाद हम एग्रीगेट डिमांड जो कि सी और आई से बनता है सी हम ले लेते हैं मान लीजिए थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइन्टी और ये हो गया हंड्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया आपका ट्वेंटी 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 इसके बाद ये हमारा एग्रीगेट डिमांड जो कि हमारा फॉर्मूला एग्रीगेट डिमांड का क्या होता है सी प्लस आई ये मैंने आपको बताया था एग्रीगेट डिमांड का हमारा फॉर्मूला होता है सी प्लस आई ठीक है चलो इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा फिफ्टी ये सिक्सटी ये सेवेंटी एटी नाइन्टी हंड्रेड वन टेन और ये वन ट्वेंटी अब हम देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के बराबर कहाँ है ये इस वाले पॉइंट पर है तो ये ही हमारा हंड्रेड जो है इक्विडियम इनकम डिटरमिन हो जाएगी अब देखो ये जो टेबल और डायग्राम है हम ऐसे प्लॉट नहीं करेंगे कि मान लो हमने ये खींच दिया और यहाँ पर ले रहे हैं, हम हंड्रेड वन ट्वेंटी इस तरह से पॉइंट नहीं लेंगे जैसे मैंने डायग्राम बनाया आपको वैसे ही डायग्राम बनाना है और टेबल ऐसे शो कर देनी है फिर आप इसमें एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो उस डायग्राम की और टेबल की Uh, वैसे आप सिर्फ डायग्राम की एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि इन द गिवन डायग्राम इनकम हैज बीन शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड ए डी एन एस शोन ऑन वाई एक्सिस ए डी इज एग्रीगेट डिमांड का हो एग्रीगेट सप्लाई एस इज द एग्रीगेट सप्लाई का हो. फिर आप लिख सकते हो वी इज द एक्लेब्रियम पॉइंट वेयर ए डी एन एस आर इक्वल टू इच अदर और फिर आप लिख सकते हो कि अगर वाई टू इनकम एक्बरियम इनकम हो जाए तो क्या होगा इस केस में हो जाएगा ए एस ज़्यादा ए डी से और मैंने फर्स्ट पार्ट में बता रखा है इस केस में हो जाएगा ए एस कम ए डी से ठीक अब इसमें इससे पहले यह भी बताना है कि आपको इनकम इक्विलिब्रियम इनकम या ई पर डिटरमिन क्यों होगा क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है ठीक ठीक है तो ये पूरी आप एक्सप्लेनेशन अपनी दे सकते हो अपने शब्दों में अच्छा इसके बाद आ जाती है हमारी दूसरी अप्रोच जिसे हम बोलते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच अच्छा देखो फिर इसमें कैसे लिखते हैं हम आंसर इसमें भी लिखेंगे हम कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच एक्लिब्रियम इज डिटर्मिन वेयर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल टू ईच अदर यानी बचत और निवेश जहाँ पर एक दूसरे के बराबर होते हैं वहाँ पर इक्लिब्रियम इनकम डिटर्मिन हो जाती है इक्लिब्रियम इनकम यानी वाई डिटर्मिन हो जाती है ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अब इसको भी डायग्राम के हिसाब से सेल्फ कर सकते हैं ये लिखने के बाद ये वाली लाइन आप सेविंग को डिफ़ाइन करोगे सेविंग क्या होती है जो कंजम्पशन के बाद बच जाती है इन्वेस्टमेंट क्या होती है इन्वेस्टमेंट को डिफ़ाइन करोगे आप इन्वेस्टमेंट जो हमने लिए है इसमें वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिए ऑटोनोमस का मतलब है जो पैरेलल होता है यानी देखिए पहले आपको सेविंग बताए थे ये जो सेविंग हमने ली है सेविंग तो हमारा हमें पता है कि हमारा जो सेविंग कर्व है वो हमारा ज़ीरो के नीचे से स्टार्ट होता है जो दिखाता है कि अगर हमारी इनकम ज़ीरो भी हो गई तो हमारे पास ओल्ड सेविंग होती है जिस को हम माइनस ए बार बार बोल रहे हैं ना सेविंग फंक्शन में आपने देखा होगा एस इज इजल टू माइनस ए प्लस एम पी एस डॉट वाई ये जो माइनस ए है ना ये वही माइनस ए ये यही वाला है ओल्ड सेविंग जिसे हम बोलते हैं इसी की वजह से जो हमारा कंजम्पशन है ना वो ए प्लस एम पी सी होता है ठीक है ताकि यानी हम जो हम जो कंजम्पशन कर पाते हैं ना बिना इनकम के भी इनकम ज़ीरो भी हो जाएगी अगर ये ज़ीरो भी हो जाएगा तब भी ये हंड्रेड रहता है या फिफ्टी रहता है वो इसी वजह से रहता है इस ओल्ड सेविंग की वजह से इसे हम बोल देते हैं ओल्ड सेविंग ठीक है अब हमें पता लग गया कि सेविंग कब जो हम माइनस से स्टार्ट होता है यानी जीरो के नीचे से स्टार्ट होता है अब जबकि इन्वेस्टमेंट कब जो होता है हमारा इस इस अप्रोच के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉन्स्टेंट है इसी को बोलते हैं हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी वो इनकम के बढ़ने या घटने से बढ़ घट नहीं रहा है वो पैरेलल है वो कॉन्स्टेंट है क्या है कॉन्स्टेंट यानी ये कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट है यानी जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है तुमने उसमें देखा होगा कि वो इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता है चाहे इनकम बढ़े या घटे प्रॉफिट बढ़े या घटे उस तरह का मान लीजिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ठीक अब हमें पता लग गया हमने इस आंसर में लिख लिया सबसे पहले देख लीजिए कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग एक लिब्रेम वहां पर होता है जहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं सेविंग की डेफिनेशन दे दी कि सेविंग वो होती है जो कंजम्पशन करने के बाद बच जाती है और ये माइनस से स्टार्ट होती है इन्वेस्टमेंट वो है जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो कि कॉन्स्टेंट रहती है जो एक्स एक्सिस के पैलल होती है इसके बाद आप लिखेंगे कि इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डेबल एंड डायग्राम इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ ऑफ टेबल एंड डायग्राम ठीक इसके बाद देखिए आप इसमें एक डायग्राम बनाएंगे हम यहां बना लेते हैं क्योंकि हमें टेबल भी बनानी है फिर अब देखो यहां पर हमने लिया ओ यहाँ एक्स यहाँ वाई यहां पर फिर से इनकम और यहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट अब देखिए सेविंग कव अब देखिए सेविंग कव जो स्टार्ट होता है वो हमारा जीरो के नीचे से स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए यहाँ से ये यह हो रहा हमारा सेविंग ठीक और ये है हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं ठीक है अब देखो ये हमारा इन्वेस्टमेंट कव आई अब ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग यहाँ एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं यहीं पर हमारा इक्वलिंग इनकम डिटर्मिन हो जाएगा क्योंकि यहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हैं और यहीं पर हमारा इक्लेबरियम इनकम डिटर्मिन हो जाएगी ठीक है जिसे हम वाई बोल देते हैं और फिर हम इसे डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि हमारे डायग्राम में जो है एक्स एक्सिस पर इनकम और वाई इनकम वाई एक्स पर सेविंग इन्वेस्टमेंट को दर्शाया गया है और ई इक्वेलिबियम पॉइंट है एस सेविंग कर्व है आई इन्वेस्टमेंट कर्व है ई इक्लेबरियम पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर है और ऐसा हो अगर कि इक्विलिब्रियम इनकम जो है हमारे डिसक्लिब्रियम हो जाए इकोनॉमी यानी वाई वन हो जाए या वाई टू हो जाए यहां पर ऐसे लिख सकते ऐसे कर लेते हैं यानी वाई टू हो जाए तो क्या होगा मान लीजिए मान लीजिए ये वाई वन हो जाए या वाई टू हो जाए तो देखो वाई अगर ये होगा अगर ये वाला केस होगा तो इसमें क्या होगा सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से और अगर ये वाला केस होगा तो क्या है सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से तो देखो दोनों वाले केस में क्या होगा यहां पर मैं बतायाता हूं पहले आ, पहले तो आप एक्सप्लेनेशन लिख दे लिख दोगे पूरी उसके बाद उसके बाद अगर पहला केस देखते हैं इसे हम बोल देते हैं फर्स्ट केस ठीक है ये आई लिखने कंफ्यूज हो जाएगा तो यहां पर ही लिख देते हैं अगर सेविंग ज्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट से सेविंग अगर ज्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट से तो इसका मतलब क्या है कंजम्पशन जो है आ, सेविंग ज्यादा का मतलब है कंजम्पशन कम है कंजम्पशन कम का मतलब है डिमांड कम है डिमांड कम का मतलब है डिमांड कम का मतलब है कि लोग जो है डिमांड कम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो आप देखो प्रोडक्स जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका माल जो है वो बिक नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है जब उनका माल नहीं बिक रहा होगा तो वो करें क्या करेंगे प्रोडक्शन क्या करेंगे कम करेंगे जिसकी वजह से उनकी इनकम जो है वो गिरेगी और इनकम गिरने की वजह से उनकी जो सेविंग है वो गिरेगी और सेविंग उनकी इतनी गिरेगी तब जब तक ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट के पर नहीं हो जाते तो हमने देखा कि अगर डिसिक्लम होगा तो वो पुनः री हो जाएगा है ना री स्टोर हुआ हो जाता है अगर दूसरा केस है सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से इसका मतलब सेविंग कम का मतलब है सेविंग कम का मतलब क्या है कंजम्पशन ज़्यादा होगा कंजम्पशन ज़्यादा का मतलब है डिमांड ज़्यादा होगी यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगी जब ऐसा केस होगा तो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे है ना और जब प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो उनकी इनकम क्या होगी बढ़ेगी इनकम बढ़ेगी तो उनकी जो सेविंग है वो बढ़ेगी और सेविंग उनकी इतनी बढ़ेगी यहाँ कर देते हैं सेविंग उनकी इतनी बढ़ेगी कि बढ़ते बढ़ते वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर सेविंग कम है ना वो वापस इक्म हो जाएगी रिस्टोर हो जाएगी ठीक है तो हमने देख लिया दोनों केस में क्या होगा और एक और चीज़ इसके अंदर जब अगर ये सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो हमें इसके लिए भी टेबल बनानी होगी तो हम इसकी टेबल बना लेते हैं एक इनकम हम ले लेते हैं मान लीजिए ज़ीरो ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एटी हंड्रेड वन ट्वेंटी वन फोर्टी छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि यही इक्वल सामने हो जाए ठीक है और कंडमशन हम ले लेते हैं पीछे वाला ही थर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी सॉरी यहाँ से हम ले लेते हैं थर्टी फोर्टी फिफ्टी कर लेते हैं इसको फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइन्टी ड्रेड ठीक और जाहिर सी बात है अगर ये है तो सेविंग कैसे निकलेगी सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है वाई माइनस सी क्योंकि हमारा इनकम जो होता है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग बनता है तो अगर हमें एक चीज़ निकालनी है सेविंग निकालनी है तो सेविंग का फॉमूला क्या बन जाएगा सेविंग का फॉर्मूला बन जाएगा वाई माइनस सी ठीक वो इनकम में से कंजम्पशन घटा दो तो सेविंग निकालनी है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस थर्टी जीरो में से माइनस थर्टी गए तो बीस में से चालीस गए तो माइनस बीस चालीस में पचास गए तो माइनस दस साठ में साठ गए तो जीरो फिर ये दस बीस तीस चालीस एक बार दोबारा देख लेना अगर समझ नहीं आया तो ठीक इन्वेस्टमेंट हमने क्या ले रखा है कॉन्स्टेंट ले रखा है मान लीजिए वो ट्वेंटी है तो ट्वेंटी ही रहेगा ठीक है क्योंकि वो पैल है कॉन्स्टेंट है ठीक है अब ये इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के बराबर कहाँ हो रहा है यहाँ पर तो इस वाले पॉइंट पर क्या होगा हमारा इक्लेबियम इस्टेब्लिश हो जाएगा ठीक जो कि हमने डायग्राम में करके भी दिखा रखा है ठीक इसका स्क्रीन ले सकते हो आप और इसी को हम एक्सप्लेन कर देंगे डायग्राम का अपना जो है एक्सप्लेनेशन दे देंगे डायग्राम की तो देखो ये वीडियो भी लगभग ट्वेंटी नाइन थर्टी मिनट्स की हो गई है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट थ्री में एक बार और थोड़ा सा हमें करना है इसमें थोड़ा सा रह गया है जिसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड ठीक है और आपकी रिवीजन भी इसमें काफी हो गई होगी तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए जल्दी से जल्दी तो कमेंट कर देना खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम कभी नरम नरम, कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम